अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज बनाएंगे स्टफ्ड आलू पकोड़ा, और आलू बोंडा भी बोलते हैं इसे। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। देखिए मैंने आलू को प्रेशर कुकर में 2 सीटी दी है, उसके बाद मैश कर लिया है। अच्छे से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम कोथमीर लेंगे, मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, साल्ट 1 टीस्पून और ग्रीन चिलीज 2 से 3 लेंगे। सब इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 4 आलू का बनाया है ये। देखिए एक के बाद एक डाल दीजिए। अब एक पैन लेकर इसमें तेल में राय डालेंगे। राय मस्टर्ड सीड्स होते हैं। इसमें करी लीव्स भी डालेंगे, वो वीडियो स्किप हो गई मेरे से। अब आलू का जो मिक्सचर बनाए थे उसे डालकर अच्छे से भून लेंगे। भूनने बाद में एक बॉल में बेसन में मिर्च पाउडर, हल्दी, अदरक, लहसुन और नमक लेकर अच्छे से पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। जैसे पकोड़ों का बैटर बनाते हैं उसी तरह ही बनाइए, लेकिन थोड़ा थिक बनाइए। आलू को बेसन अच्छे से लग जाना चाहिए। देखिए मिक्स कर लीजिए, आलू भी भुन गए हैं। देखिए बेसन भी रेडी है। अब इसके बॉल्स बनाएंगे आलू के। अब एक एक लेके बेसन में डिप करेंगे। अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, कहीं से भी नहीं छूटना चाहिए। बिस्मिल्लाह। अब इसे हिलाना ज़्यादा नहीं है, ये खुद ब खुद पक के ऊपर आ जाते, ज़्यादा हिलाए तो टूट जाते। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।